सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विलायनी कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेषु साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बः सुधीः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्दस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवते हृदा बलाचाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हर्षभिरमशेषयन्तो स्वस्तिः स्मिता मतिमतीव शुभां दधांसि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा सचित्ता सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयग्रस्ताहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते रोगा न शेषा न महांसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकला न विष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शयतां वयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानि भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्राशूलकारणे पिनाकधारणे जित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा जिताजितिः सर्वमन्द्रमयी सत्या सत्यानन्द स्वरूपिणी अनन्दा भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञाविनाशिनी अपर्णानेकपर्णा च पाटला पाटलाभते पट्टाम्बरपरीशाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेयविक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा
चामुंडा देव वाराहे लक्ष्मी जपुरजागृते विमलोदकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या जबोद्दिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभहरणी महिषासुरमर्दनी मधुकेतव हंदीज चंडमुंडा विनाशनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवगादिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्य धारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ताज अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चेक कन्या च केशोरी यवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुग्धकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी वज्रकाली विष्णुमाया यलोधरी शिवज्योती कराली च आनन्दा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायितं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताशकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुधं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं मोचयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे परया भक्त्या पठे नाम शताशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे हि सुरवरैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्य श्रियमवाप्नुयात् घोरोजनालक्ष्मकुङ्गुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण मृळीघ्रयन्त्रं विधिना विधिज्ञोपवेत् सदा धारयते पुरारिः भौमाभासा निशामग्रे चन्द्रे सद्विषां गते विलिख्यापठे स्तोत्रं सावे संवदां वदाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तजनों का माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के दरबार में अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय इस पवित्र गुफा में पूज्य पुजारी जी द्वारा पिंडियों के रूप में विराजमान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी की पंचामृत से स्नान और वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। इस समय मनुष्य ही नहीं अपितु देवतागण भी देवलोक से उतरकर अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं और करवध होकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। इस समय विद्वानों के मुखारविंद से स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख सौभाग्य को देने वाले हैं और मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अतः आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप अपना ध्यान माँ भगवती के चरणों में ले जाएं और भक्ति भाव से इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो भीजम् दिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यते सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्भूयं वर्मं लोके सर्वरक्षाकरं निनाम जिन्नकैजिदाघादं तन्मे भोहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यासु कवचं पुण्यं दर्शनश्व महामुने प्रथमं जलभुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माधेति चतोदकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठङ्गाध्यायनीति च सन्तमङ्गालरात्रीति महागौरीति चाश्रमम् नवमं सिद्धिधात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम् अग्निना देहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विश्वमे दुर्गमे चैव व्यातः शरणं गताः।
नातेषां जायते किञ्चित् अशुभवर्णन सङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि लोकदुःख वयं नहि ज्येष्ठ वद्यानूनां तेषां वृद्धि प्रजायते जे त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसेदान संशयः प्रेतसंसातु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी जगिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपातरा देवी ईश्वरी वृक्षवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणपोषिता एतेतामातरः सर्वः सर्वयोग समन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोध समाकुला शङ्खम् चक्रम् गदाम् शक्तिम् हलम् जामुसरायुधम् खेटकम् दोमरम् देव परशुम् पाशमेव च कुण्ठायुधम् त्रिशूलम् च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च दारयन्दायुधानीतम् देवानाम् च हिताय वै नमस्ते तु महारोद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि राहिमां देवि दुष्पेशे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्निरामग्निदेवता दक्षिणे पातु वाराही नैरित्यां खड्गधारिणी प्रतिच्यां वारुणी रज्जे वायुभ्यां मृगवाहिनी उदिच्यां वातु कौमारी एषानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रज्जे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दिशो रज्जे चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पादो विजया पादो पृष्ठतः आशिता वाम भाजेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदनी रज्जे उमामोदनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुवो रक्षे यशस्वनी त्रिनेत्रा च भुवर्मध्ये यमघण्टा च नादिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये ज्योतयोद्वारवासिनी कपालोकालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च जर्जिका अधरे च मृदकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका गण्डिकां यद्धघण्टा च महामाया च तालुके कामाधीशमुखं रज्जे भाजं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभञ्जे धनोधरी नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलकोभरी सुगन्ध्योः खड्गनीरज्जे बाहु मे वज्रधारिणी हस्त्योदण्डनीरज्जे अम्बिका चाङ्गुलेश च नकासुरेश्वरी रक्षे दुग्धो रक्षे कुलेश्वरी तनो रक्षे महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदे ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नवौचकामनी रक्षे गुह्यं गुहेश्वरी तथा भूतनागामिका मेडं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रज्जे यानुनि विन्दवासिनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे पाशाङ्गुलेषु रक्षे पादास्थलवासिनी नखान् द्रष्टाकराणि च केशां देवादकेशनी रोमकोपेषु कोपेरी ध्वजं वागेश्वरी तथा रक्तमञ्जावसामास नास्ति वेदान्ति पार्वती अष्टानि कालरात्रि च भित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पदङ्गोले कफे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखी नखज्वालाय वेद्यां सर्वसन्दिशो शुक्रां ब्रह्माणि मे रक्षे सायं सत्रेश्वरी तदा अहङ्कारं मनो बुद्धि रक्षे मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभनाम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु भाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी जशा कीर्तिं च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्रानि मे रक्षे पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैरवी पन्थानां सुपदा रक्षिण मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता
रक्षाहीनं यस्थानं भजितं गवतेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशने पथमेकं न गच्छेदो जलेशेषमवात्मनः वचेनापितो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरयमतुलं प्राप्यते भूतले पमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोके तु भवे पूज्यः कवचेनापितापमान् इदं तु देव्यः भवजं देवानामपि दुर्लभम् जापठे प्रयतो नित्यं त्रिसद्यं सद्यान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोके च पराजितः जीवेत् वर्षसाङ्ग्रामृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोरकादयः साम्बरं जङ्गमं जैव कृत्रिमं जावियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्तानि भूतले भूषणः केचराश्चैव यलयाशोपदेशिका सा चाकुलया माला डाकणी शाकणी तथा अन्तरिक्षा च राघोरा डाकिन्यास महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षस वेतालः कुष्माद्यावेरवादयः नश्यन्ति दर्शनादश्च कवचे हृसंस्थिते मनोनिधि भवेराग्रस्तेजो वृद्धिकलम्बरम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सदशतिं जन्यं कृत्वा तु कवचम्बराम् जापत् भूमण्डलं दत्ते शशैलवनकाननम् सावतिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रबोधगे देहान्ते परमस्थानं यत्स्वरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति परशो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह बोधते ॐ अथ अर्कलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्कलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशरे पाठागत्वेन भवे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनि दुर्गाजमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वकले देवि कालरात्रे नमस्तु ते मधुकैटव विद्यावे विधात्रि वरदे नमः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे रक्तबीजवधे देहि चण्डमण्डविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे शुम्भस्यैव निशुम्भस्य दुम्रायस्य च मर्दनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे वन्दिताग्रयुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे न देव्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरिदापहे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे सुभक्तो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे चण्डिके सततं जेत्वामर्जयन्ति हवस्थितः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे वदेहि दिशुनाशं देहि वरमुच्चकैः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे वदेहि देवि कल्याणं वदेहि परमाश्रयम् अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे सुरासुरशिरोरत्नानि कृष्णचरणेऽम्बिके अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे विद्याभन्दं यशस्वन्दं लक्ष्मीभन्दं जलं कुरु अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे
प्रचंड दैत्य सर्वज्ञे चंडिके प्रणताय मे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे चतुर्भुजे सर्वत्र संसुदे परमेश्वरे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे कृष्णेन संसुदे देवे स्वस्व भक्त्या सदाम्बिके अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे हिमाचल सुधानाद संसुदे परमेश्वरे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे देवी प्रचण्ड दोदण्ड दैत्य दर्प विनाशने अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे देवी भक्त जनो दामा दत्तानन्दोदयम्बिके अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणे तारणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स्वतो सप्तषधि संज्ञा परमापनोति सम्पदाम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवताम् श्रीजगदम्बाविद्यताम् सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धगानदेहाय दिवे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्रातिनिमित्ताय नमः सोमातदारिणे सर्वमेवमन्दारामवीरकम् सोऽपि देवमुहाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तजानराधिनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवधां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्दो नौषधं तत्र न किञ्चिदविद्यते विना चापेन सिद्ध्येत सर्वमुष्टारणादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वैचण्डिकायातो सच गुप्तं जगार्षः समाधेन पुण्यस्य त्वं यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमम् प्राप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दशामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यशेषां प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् जो निष्किलां विधायीनां नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धा सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवर्तस्य वयं क्वापि हयायते नाम मृतो वशं जाते मृतो मोक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वानो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवते सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं जत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शुभम् शनयस्तो याप्यमानेऽस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्मदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः श्रीमहिषासुरमर्दनी स्तोत्रम् अङ्गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वादिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुते भगवती कण्ठकटुम्भिनि भोरिकलुम्भिनि भोरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते दुर्वरवर्षिणि दुर्सरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरदे त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि गिर्विषमोदिनि गोचरदे कण्ठनिरोधिनि निस्फृतरोधिनि दुर्मधुशोधिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरि जगदम्ब पदम्ब कदम्ब वनप्रियवादिनि हादरते
Come on, come on,
इस पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिए। श्री भगवती सत्तम जय भगवती देवी नमो जय पाप Yeah.
योग्यं तथा
अब अंतिम काली लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानी वंदे हरिदामया मा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जना पूजां चैव न जानामि क्षम्यताहं परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं बद्धहीनं सुरेश्वरे जर्तोजितं मया देवि परिपूर्णं ददस्व मे अपराधशतं कृत्वा जगदं भेदि योजये जाह्वदीं समवाप्नोति नाकां ब्रह्मा दयासुरां सापराधोऽस्मि शरणम् प्रापस्वाम्भिगे इदानीं यथेतसे तथा गुरु अज्ञानाधिसुधैर्मात्रा जन्योऽहमधिगामृतां तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरे कामेश्वरे जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे विहानचामि मां प्रेत्या प्रसीद परमेश्वरे भूयारि भूयगोपीनां गृहास्मकृतां जपां सिद्धिर् भवतु मे देवि सचिया ज्योता भली माता देवी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण कर्ण भली माता देवी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देन भली माता देवी सदा ही जय बोलो सच्चे धरहारे की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम को उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तिजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए, अपने अभ्युदय के लिए, अपनी उन्नति के लिए इस जगजन्य जगत माता से करवत प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हम सके त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने जानने में हम सके अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो
तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, सर्वदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। क्योंकि इस माँ जगजननी जगत माता की जिनका जिन पर कृपा हो जाती है, वह जो ही मन में चिंतन करते हैं देवी की कृपा से उन भक्तों के समस्त मनोबल सिद्ध कामना जो है वह पूर्ण होती हैं, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनके कष्ट उनके दुख जो है वह दूर होते हैं और जीवन में जो है सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है जिन पर इस देवी की कृपा बनी रहती है। और जिन पर जब विमुख हो जाती है, मुँह फेर लेती है, विमुख हो जाती है, तो न जाने जी भगवती फिर तुझे सर्वनाश कर डालती। इसलिए कहा है कि कभी भी भक्ति खूब करें, परंतु भक्ति से ही जो है सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, चाहे वह धन शक्ति ही, ज्ञान शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, अन्य शक्ति जो है, उनसे जब वह व्यक्ति संपन्न होता है, तो भूल करके भी कभी अभिमान जो है नहीं करना चाहिए। अभिमान जो है यही जो वास्तव में विनाश का कारण होता है। इस समय वसंत नवरात्र चल रहे हैं, वसंत नवरात्र का जो है आज छठा नवरात्र जो है, छठा स्वरूप जो है माँ भगवती कात्यायनी देवी का है। सर्वस्वरूप सर्वेशी सर्वशक्ति समन्वित देवेश्वराहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से आप हमारी रक्षा करें। आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। एतत्ते भजनम सौम्यम लोचन त्रय भूषितम पातु न सर्वभीति कात्यायनी नमस्ते। हे माँ कात्यायनी, तीन लोचनों से तीन नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख जो है सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें। आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। जे कात्यायनी देवी जो है, इसके चार हाथ हैं, सिंह पर जो विराजमान है, एक हाथ इनका वर मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में है, एक हाथ में जो खड़ग तलवार लिए हुए हैं, एक हाथ में कमल पुष्प है। ऐसे इनका सौम्य स्वरूप जो है, जो भक्तों के समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है, और जो भी भक्तों की मनोलक्षित कामना होती है वह देवी की कृपा से, कात्यायनी देवी की कृपा से उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन जो है भक्त जन जिस कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने मन को आज्ञा चक्र में स्थित करते हैं और इस रूप का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं कि भगवती सर्वदा हम पर कृपा बनाए रखे। इस भगवती की पूजा जो है ये सद्य फलदायी है और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कालंदी जमुना तट के किनारे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी भगवती की साधना की थी। प्रेकुर जी ऐसा दृष्टांत मिलता है कि रावण ने इसी भगवती की आराधना की थी, माँ जगदम्बा की, माँ को प्रसन्न किया था और मां ने उसे वरदान दिया था, मैं तेरी रक्षा करूंगी, तेरी लंका में निवास करूंगी। भगवान शिव और भगवती जगदम्बा दोनों को इन्होंने जो है खूब भक्ति करके प्रसन्न किया था और सब प्रकार की उन्होंने सिद्धि जो थी वह प्राप्त कर ली थी। ऐसे वह रावण जो है बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण था, परंतु कहते जब शक्ति संपन्न होता है और बिना परिश्रम की ये संपत्ति मिल जाती है तो बुद्धि खराब होती है। जिस समय माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि अच्छा भवन बनाइए, कुबेर ने उनसे कहा कि आप कहें, भगवान शिव से कहें, तो भगवान पार्वती भी कहने लगी ठीक है मैं प्रार्थना करती हूँ। भगवान शिव से कहा कि हम ऐसे रहते हैं, कहीं कोई घर नहीं है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के बाद देखिए माँ लक्ष्मी जो है उनका सब कुछ कैसी व्यवस्था है, हमारे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ होते हुए सबको आप देते हैं परंतु अपने लिए कुछ नहीं, रहने का ठिकाना भी नहीं,
तो कुबेर जी कह रहे हैं कि यदि भगवान शिव आज्ञा दें तो मैं एक भव्य भवन जो है आपके लिए उसका निर्माण करूं। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है। तो उस भवन का निर्माण हुआ, सोने की लंका जो बनी, इतना भव्य भवन जो है। तब जो है भगवान शिव और पार्वती वहां गए, तो भगवान शिव कहने लगा, देखो पार्वती, गृह प्रवेश जब करना होते ही, गृह प्रवेश के समय जो है किसी विद्वान पंडित से पहले पूजा करवानी चाहिए। तब जो है कहते कि उस समय भगवान शिव ने सर्वत्र देखा कि इस समय इस सृष्टि पर कौन विद्वान है, तो रावण से अधिक विद्वान नहीं था उस समय, कर्मकांड का ज्ञाता महाविद्वान जो है। तब रावण को बुलाया गया गृह प्रवेश के लिए। तब जो है आप दक्षिणा के लिए भगवान शिव ने कहा, आपने जो सब करवाया है और जो पूजा पाठ करवाया है तो दक्षिणा मिला जो है, जो सब कर्म सफल होते नहीं। तब जो है रावण ने कहा, देखो दक्षिणा देना चाहते हो ना, जो भवन दक्षिणा में दे दो। तो भगवान शिव ने एक कंटमनी लगाया, तत्क्षण जो है संकल्प करके उसने प्रवेश किया ही नहीं, रावण को दे दिया। कहते कि जिस समय रावण का राज्याभिषेक हुआ, बड़े बड़े संत महात्मा जब स्वयं इतने विद्वान थे, संत महात्मा वहां पर आए इनका उराज तिल करने के लिए बैठे हुए थे। तब तो सबने विचार किया कि कौन ऋषि जो है इनको ये राज तिल जो है वे देगा, करेगा, इनका राज्याभिषेक होगा। तब जो है कुकुर नाम के एक ऋषि थे, बड़े विद्वान, बड़े माने हुए, त्रिकालज्ञ, तीनों लोकों की बातों को जानने वाले, सबने मिलकर के जो है उससे कहा, महाराज आप जो है इनको राजतिल दीजिए, इनका राज्याभिषेक कीजिए, इस समय आप ही एक योग्य ऋषि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके अग्रगण्य हैं, आप जो हैं ये सब जो कार्य संपन्न करें। तो कुक्कड़ मुड़ी ने जो है कहा कि मैं इसको राज तिलक नहीं दूंगा, इसमें राजोचित गुण जो है वह नहीं है, इसलिए मैं इसे जो है ये राज तिलक जो है नहीं दे सकता, इनकार कर दिया। तब जो है रावण को बुरा लगा। उसके बाद जो है बुंजू नाम का ऋषि जो था, फिर उससे कहा गया, तो उसने से राज तिलक दिया, राज्याभिषेक हुआ, सब चले गए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जो है। उसके उपरांत जो है अब रावण ने खूब विस्तार किया अपने राज्य का, बड़े बड़े भवन जो है उनका निर्माण किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक वेद्य जो थे, जो कि सिर कटा हुआ हो वह भी जोड़ देते थे, ऐसे वेद्य थे उसके पास, ऐसे वैज्ञानिक थे जो चंद्र लोग में यात्रा करते थे। खूब विस्तार किया अपने राष्ट्र का जो था। एक दिन उन्होंने जब खूब विस्तार कर लिया, तब जो था रावण ने कुकुड़ ऋषि को निमंत्रण दिया कि आप मेरे राष्ट्र में आए और राष्ट्र देखे। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति कोई आता है तो उसको सब वहां का दिखाया जाता है कि जहां पर जे जो निर्माण हुए हैं, जे जो हमने जो सब किया है राष्ट्र के लिए। तब जो था कुकुड़ मुनि ने जो है उनके निवेदन को, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और लंका में आए। तब रावण उनके साथ चलता हुआ पूरी लंका में जो है उन्हें घुमाया और सभी बड़े बड़े भवन जो आकाश में थे, इतने बड़े बड़े भवन जो थे उनका निर्माण हुआ है, ऐसी सोने की लंका अद्भुत और ज्यादा विस्तार उन्होंने किया था। अनुसंधान शाला जो है वहां पर थी, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है, और ऐसा उन्होंने निर्माण किया था सारा दिखाने के उपरांत जो है। तब ऋषि वापस आए, तब उन्हें पूछा, महाराज कैसा लगा मेरा जो राष्ट्र, जो जो मैंने इतना जो सब जो है राष्ट्र का जो निर्माण करने में जो मैं आगे बढ़ा हूं, इतनी उन्नति की है, आपको कैसा लगा। तब जो है ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा कि रावण आपने जो कुछ किया है, बड़ी बड़ी शालाओं का जो है जी निर्माण किया हुआ है,
आपके वैज्ञानिक जो हैं इतने आगे पहुंचे हुए हैं जो चंद्रलोक में भी जो भ्रमण करते हैं जाकर के, आपके वेद जो है इतने ज्ञानवान हैं जो कटे हुए अंग जो जोड़ देते हैं। आपने बहुत बड़ी तरक्की की है अपने राष्ट्र की, बड़ी प्रशंसा की रावण की। प्रशंसा करने के उपरांत जो है जब ऋषि चुप हुए शांत हुए तो ये रावण ने कहा, मुझे ये बतलाइए कि उस समय आपने मुझे राजतिलक देने से क्यों इनकार किया था? आप कह रहे थे मेरे में राजोचित गुण नहीं है, क्यों? आपकी भविष्यवाणी जो थी ये सारी की सारी गलत सिद्ध हुई है, क्यों कहा मुझे आपने ऐसा? ऋषि ने कहा कि रावण, मैंने जो कुछ कहा था वह ठीक ही कहा था। आपकी लंका में सब भवन मैंने देखे हैं, सब प्रकार की शालाएं जो हैं वह भी देखी है, अनुसंधान शालाएं जो हैं एक से एक भरकर जो है, परंतु पूरा राष्ट्र आपके घूमने के प्रांत जो है, मुझे कहीं भी आपके राष्ट्र में कहीं चरित्रशाला नहीं मिली। और यदि आपके राष्ट्र में चरित्रशाला है तो मुझे बताइए। रावण चुप हो गया कि आपने अपने राष्ट्र के जो लोग जो थे उनका चरित्र निर्माण, क्योंकि ठीक है व्यक्ति तरक्की करता है परंतु उसके साथ साथ उसका चरित्र भी ऊंचा होना चाहिए। रावण, तेरे राष्ट्र में कहीं जो है चरित्रशाला नहीं है, और मैं भविष्यवाणी करता हूं, बताता हूं आपको कि एक दिन ऐसा आएगा तेरे राष्ट्र में एक चरित्रवान व्यक्ति आएगा और तेरे पूरे राष्ट्र का सर्वनाश कर देगा। बोले सच्चे दरबार की जय। ऐसे जी रावण जिन्होंने भगवती को प्रसन्न किया था, कात्यायनी देवी की पूजा की थी, माँ को प्रसन्न किया, माँ ने वरदान दिया था मैं आपकी रक्षा के लिए लंका में निवास करूंगी, तो इसका नाम वहां लंकेश्वर के रूप में वहां भगवती निवास करती थी। भगवान शिव ने भी इन्हें वरदान दिया था। तब भगवान श्री राम जो है जिस समय उन्हें रावण का वध करने के लिए जाना था, तब पहले भगवती यज्ञ किया था, माँ को प्रसन्न किया था, और माँ ने अष्टमी के दिन अर्धरात्रि को लक्ष्मण और जो है राम को साक्षात दर्शन दिए थे। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि माँ, जब रावण की रक्षा के लिए आपने उसे वरदान दिए हैं और लंका में निवास कर रही हैं, तो रावण का वध कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। माँ ने कहा, देखो जो उसने भक्ति की, जो साधना की, मुझे प्रसन्न किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया, उसका फल उसको मिल चुका है। अब वह शक्ति संपन्न होकर के उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अब समय आ गया है उसका, उसका भी फल मिलेगा। अच्छे कर्म का फल भी मिलता है, बुरे का भी मिलता है। इसलिए जिस समय हनुमान जो है लंका में प्रवेश करेंगे, उस समय लंका का परित्याग करके चले जाऊंगे। तो भगवान शिव जो है, हनुमान जो थे ये शिव का ही अवतार थे। शिव जी उन्होंने भी कहा कि देखो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति की है, मैं अपने शिष्य को तो मार नहीं सकता, लेकिन आपकी सहायता जरूर करूंगा। तो जिससे मैं हनुमान माता सीता की खोज करने के लिए लंका में गए, वहां पर जाकर के जो है सीता माता से भेंट हुई। वहां सामने अशोक वाटिका थी, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे। इच्छा हुई कि कोई फल खा लो, भूख लगी थी। तब सीता माता से कहा कि माँ, भूख लगी है, मैं फल खा लूं? तो माँ ने कहा, जहां बड़े राक्षस हैं रावण के, भगवान आपको मारेंगे, कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं है। हनुमान जी गए, रात्रि का समय था। अब जब वृक्ष रात्रि को सोए होते हैं तो फल तोड़ना वर्जित है, तो वृक्षों को हिला ला के जो है उसने जो है यह फल जो थे वह जगाया उन वृक्षों को, फिर फल तोड़ के खाएं, कुछ वृक्ष जो थे वह टूट गए। जब रावण के अनुचरों को जब पता चला, जो वहां रक्षक खड़े थे, तो उन्होंने उसे मारना शुरू किया, जिन्होंने उसको मारना शुरू किया, तो यह हनुमान ने भी उनको मारा। कोई भी उसको पराजित नहीं कर पाया। तब कहते इंद्रजीत स्वामी आए और आकर के हनुमान को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा,
और ब्रह्मास्त्र का उन्होंने सम्मान करते स्वयं बंध गए थे, नहीं तो हनुमान को कोई बांध नहीं सकता था। ऐसे हनुमान जी जब रावण के पास ले गए तो वहां पर जो है आप देखिए जिसका वध है उन्नति है सब कुछ है। व्यक्ति को मैं पहले प्रारंभ में कहा कि कभी जो है अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार विनाश का कारण होते हैं। अब यह परिस्थिति शुरू होगी, हनुमान का प्रवेश हो गया लंका में, तब जो है रावण के सामने खड़ा किया गया कि आपने ऐसा उदंडता की है, अपराध किया है, आपको दंड दिया जाएगा। सबने समझाया, अंत में जो है रावण ने कहा कि ऐसा है, हनुमान को अपनी पूछ बड़ी प्रिय होती है, सभी जो है कपड़ा लेकर के इसकी पूछ में बांध करके घी लगाइए फिर आग लगा दीजिए। तब जो है कपड़ा बांधने लगे, घी लगाने लगे और हनुमान जी ने पूछ अपनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ गई तो रावण से कहा जाकर हमारा कपड़ा भी खत्म होगा, घी भी खत्म हो गया। तब उसने कहा प्रत्येक घर घर जाकर के सभी जो है कपड़ा भी लाएं और तेल लाएं। फिर कहते पूरी लंका में एक ही घर था जहां से ना कपड़ा आया ना घी आया ना तेल आया, वो था विभीषण का घर। तब जो है प्रत्येक घर जो है उसको जो पूरी लंका में घुमाया गया, हनुमान जी हनुमान भी देख रहे किस किस घर से कपड़ा आ रहा है, तेल आ रहा है, घी आ रहा है और मुझे मेरी पूंछ को जो जलाएंगे। हरे घर को मैं देख रहा था और लंका को तो मैं देखना चाहता था, ये तो उसकी सारी लीला थी। आग लगा दी गई, हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी और हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी। ऐसी उस समय त्रेता युग में हनुमान जी ने जी वहां पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि पूरी लंका को जलाया, सारे दुर्गम नष्ट कर दिए और अंत में अपना बाल भी भंकार नहीं हुआ, पूंछ बिल्कुल सुरक्षित और वापस आकर के सारा जो है हाल जो था वहां लंका का बता दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए भक्ति से सब प्रकार की शक्ति मिलती है, जब उन शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो जहां शेर है वहां सभा शेर भी होता है, ये सारी उसकी रचना होती है। इसलिए जे कात्यायनी देवी जो विशेष मैं आपको बतला रहा था इसी की आराधना जो है रावण ने की थी और ब्रज की गोपी ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसकी आराधना की थी कात्यायनी देवी की ही, जिससे हम अनर्थ को पूर्ण करने वाली ही। जब व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है उसका अभिमान करता है तो फिर विनाश का कारण भी बन जाती है। बोले सच्चे द्रवादी की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम कर देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र से मां के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र जी। जयकारा शिरवनिता बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, विश्वास माता हक हर बल बने रवे मेरा विश्वास माता, हर पल बने रवे तेरा विश्वास माता, हो तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, तेरे चरनाच मेरी अरदास लगा गले ताले नहीं, ताले की आवाज मां के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी मां के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर, मां भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें
आपके झोलियां भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे, ताली से बजाएं। हर पल बने रवे
अंधकार माता मैं तेरा हो जावा मिटे अंधकार माता उमा तेरे चरनाच मेरी अरदास माता तेरे चरनाच मेरी अरदास माता हक हर पल बने रवे मेरा विश्वास माता के हर पल बने रवे तेरा विश्वास माता हो के हर पल बने रवे तेरा विश्वास माता के हर पल बने रवे तेरा विश्वास माता तेरे चरनाच मेरी अरदास माता तेरे चरनाच अरदास माता हो तेरिया चरनाच मेरी अरदास माता तेरिया चरनाच मेरी अरदास माता जय करा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय भजन प्रस्तुत करके श्री विजय कुमार जी जयकारा शेरोंवाली जी का दरबार की जय ओ मां ने बात बना दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां ओ मां ने बात बना दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां ओ सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां ओ मां ने बात बना दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां ओ सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां राजा से रंग हमें बनाकर किस्मत मेरी जगा दी अब खुशियां ही खुशियां मान बात बना दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां ओ मान बात बना दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां हो गया जीवन मेरा आई जे जो सौगात है आई जे जो सौगात है आई जे जो सौगात है देने लगे सब मिलके बजाया आई खुशाई की रात है आई सुहानी रात है आई सुहानी रात है आके रंग में खुद को रंगा कर माँ की ज्योति जगा दी है अब खुशियां ही खुशियां माने बात मान बात बना दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां ओ सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां ओ सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां ओ माने बात बना दी है अब खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां खुशियां
जब जब जो भी मांगा माँ से तब तब दिया है मुझको तब तब दिया है मुझको तब तब दिया है मुझको जब जब जो भी मांगा माँ से तब तब दिया है मुझको तब दिया है मुझको तब तब दिया है मुझको ओ कर्म किए जा तू भी अपने खुशियाँ देगी तुझको खुशियाँ देगी तुझको खुशियाँ देगी तुझको ओ कर्म किए जा तू भी अपने खुशियाँ देगी तुझको माँ खुशियाँ देगी तुझको खुशियाँ देगी तुझको हृदय में अपने माँ को बसा कर माँ से लगन लगा ली है अब खुशियाँ ही खुशियाँ मान बात मान बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ वो सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ वो मान बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ वो सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ राजा हमें बना कर किस्मत मेरी जगा दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ मान बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ ओ मान बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन के हर कठिन मोड़ पर मां ने राह दिखाई है मां ने राह दिखाई है मां ने राह दिखाई है जीवन के हर कठिन मोड़ पर मां ने राह दिखाई है मां ने राह दिखाई है मां ने राह दिखाई है महकाया महकाया हर गुलशन मां ने बन के सदा सहाई है बन के सदा सहाई है बन के सदा सहाई है महकाया हर गुलशन माने बन के सदा सहाई है बन के सदा सहाई है बन के सदा सहाई है शरण में आए अपने भगत की बिगड़ी बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ मान बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ ओ मान बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ ओ सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ रक्त राजा हमें बना कर रक्त राजा हमें बना कर किस्मत मेरी जगा दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ मान बात बना दी है खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ ओ मान बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ सच्ची प्रीत लगा दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ मान बात बना दी है अब खुशियाँ ही खुशियाँ 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 जयकारा शेरों वाली जी का सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोल नहीं मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोल नहीं तेरे जिंदगी दे दिन कटे कर ही सहारे दे जिंदगी दे दिन कटे तेरे ही सहारे दे दास मेरी बेड़ी कदों लगेगी किनारे ते
कल मेरी बेड़ी कदों लगेगी किनारे से पार में नुना देंगे पाफड़ लेंगे पार में नुना देंगे जे तू पाफड़ लेंगे बार मैं लोड तेरी मंगी में मुराद सदा तेरे कोलो लईए मंगी में मुराद सदा तेरे कोलो लईए मैं लोड तेरी पई तेरे एक बार मैं लोड मामा मेरा बच्चे आदा कोई भी ठिकाना नहीं मामा मेरा बच्चे आदा कोई भी ठिकाना नहीं बिना जुने ते दस और की नुकैये तो बिना जुने ते दस और की नुकैये बार मैं लोड तेरी पई है मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोल नहीं है मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोल नहीं है याद किता होई मासाई तू जदों भी मैं याद किता होई मासाई तू तेरे फोन आके मैं झोली पर गई है तेरे कोल आके मेरी झोली पर गई है बार मैं लोड तेरी पईए मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोल लईए मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोल लईए तेरे एक बार मैं लोड तेरी पईए ओ मेरे एक बार मैं लोड जय कर मेरी शेरावाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय मैं नीवा बेओगना मैं नीवा बेओगना मेरे परदे तक लेंदा तिए कर पवन दी सेवा तर जावा मैनू चरनी रख लेंदा तिए
ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਬਤ ਜਗਮਗ ਜਗਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਪਰਬਤ ਜਗਮਗ ਜਗਦਾ ਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਬਤ ਜਗਮਗ ਜਗਦਾ ਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਪਰਬਤ ਜਗਮਗ ਜਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦਾਤੀਏ ਪਰਦਾਨ ਤੇਰੇ ਪਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਜਾਹੋ 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 ਤੇਰੇ ਪਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਨ ਗੁਫਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਏ ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਏ ਘਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲੀਆਂ ਪਰ ਪਰ ਪਾਇਆ ਚੋਲੀਆਂ ਪਰ ਪਾਇਆ ਏ ਅੱਜ ਚੋਲੀਆਂ ਪਰ ਪਾਇਆ ਏ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 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 ਪੁੱਛੋ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਦਾ ਫਿਰ ਭਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਜਾਓ 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 ਭਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੜ ਗਈ ਮਸਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੜ ਗਈ ਮਸਤੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੜ ਗਈ ਮਸਤੀ ਮਾਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਮਾਂ ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਸਤੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਓ ਇਸ ਜਲਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਜਾਹੋ 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 ਤੇਰੇ ਪਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਚ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਲ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਲ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਲ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ ਦੀਦ ਦਾ ਪਾਈ ਦਾਤੀ ਦੀ ਜਿਨ ਦੀਦ ਦਾ ਪਾਈ ਦਾਤੀ ਦੀ ਜਿਨ ਦੀਦ ਦਾ ਪਾਈ ਦਾਤੀ ਉਹ ਪਵ ਸਾਗਰ ਚੋ ਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਗਵਤ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਜਾਹੋ 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 ਤੇਰੇ ਭਗਵਤ ਲੱਗਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ
ਲਗੀਆਂ ਰੋਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਜਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਵਲਾ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਰੋਣ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਵਲਾ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਰੋਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਵਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਵਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਵਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਵਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ 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 ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ 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 ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਬੇੜਾ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਬੇੜਾ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਬੇੜਾ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਬੇੜਾ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਵੰਡੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਵੰਡੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਵੰਡੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਓ ਮਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਓ ਮਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਓ ਮਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਓ ਮਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਓ 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 ਮਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਂ ਚਰਨੀ ਲਗਾਓ ਮਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਵੰਡੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਵੰਡੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਵੰਡੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ 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 ਓ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰਹਿਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ 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 ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਮਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਕਰ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ
ਆਸ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਰੋੜ ਸਿਧਾਂਸੇ ਭ੍ਰਮਤੇ ਜਗਣੇ ਦਕਸ਼ਣੇ ਚੱਕ ਸੂਤਰ ਬਾਣੇ ਹਸਤੇ ਦਿਭਿਆਮ੍ਰੇ ਕਣਕਮਯੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਗਮਯ ਸਭਿਨਾ ਭਾਦਯੰਤ ਸਵਾਕਰ ਕਰ ਜਪੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪ੍ਰੇਰੰਤ ਦਿਵਿਰੂਪ ਕਰ ਕਮਲ ਧਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਅੱਜ ਕਾ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਸੰਬਤ 2076 ਉੱਤਰਾਇਣ ਉੱਤਰ ਗੋਲ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਚੈਤਰ ਮਾਸ ਕੀ ਆਜ 29 ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਆਜ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀਵਾਰ ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਨ 2019 ਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲ ਆਰਤੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਭਕਤਜਨੋ ਕੋ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਅਸੀਮਨ ਕੰਪਾ ਸੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆਤਮਾ ਹੀ ਜਬ ਭਕਤੋ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਰਮਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਿਆ ਇਨ ਬਸੰਤਿਕ ਨਵਰਾਤਰੋ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਆਜ ਛਠੇ ਨਵਰਾਤਰ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਹ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆ ਭਕਤੋਂ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਕਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਆ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਮਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵੇ ਸੰਤਤੇ ਭਾਣ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਸਵੀ ਭਵੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਣ ਭਵੇ ਭੂਰ ਭੂਤ ਕਰਣੇ ਦਾਣੇ ਕਨਿਸ਼ਟਾ ਭਵੇ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵੇ ਬੈਰੀ ਦਰਬ ਦਲਣੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਕਸ਼ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭਰ ਪਾਦ ਪੁੰਨਤ ਹੈ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵੇ ਮੰਤਰਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸੋਸਤੋ ਮਿੱਤਰਾਣਾਮ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮ ਆਰੋਗਯਮ ਆਵਿਦਾਤ ਸ਼ੁਭਮਾਨਮ ਹੀਯਤੇ ਧਨੰ ਧਾਨਯੰ ਪਸ਼ੂੰ ਬਹੁਪੁੱਤਰ ਲਾਭੰ ਸਸੰਵਤਸਰੰ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤੁ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਧਨ ਧਾਨਯ ਸੇ ਸਮਰਿਤ ਕਰੇ ਸਭ ਓਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਭੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਪ ਸਭ ਭਕਤੀ ਜਨ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੀ ਹੋਗੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਮਈਆ ਜੈ ਸ਼ਾਮਾ ਗੌਰੀ ਮਈਆ ਜੈ ਹਰਿ
पाटी को मृग मद को जल से दो नैना जल से दो नैना चंद्र बदन नी को ओम जय मर राजे रक्त पुष्प जलमाला रक्त पुष्प जलमाला कंठन पर साजे ओम जय Hallelujah.
को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी सचिया ज्योत वाली माता तेरी सदा शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबारी की जय तो बोली ओम या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संसिता नमस्तस्य नमो नमः बुलदुर्गा माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय बोल सच्चे दरबार की जय तब मैं निवेदन कर रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र साहित्य शास्त्र वेद नीति शास्त्र तथा कर्मकांड के महाविद्वान श्री रणवीर केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त वर्तमान श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के निर्देशक परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आज बसंत नवरात्र के छठे नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती का जो छठा रूप है माँ कात्यायनी देवी का उसका महत्व बतलाते हुए अपने आशीर्वचनों द्वारा भक्तजनों को आप्यायित करें परम श्रद्धा प्रातः स्मरणीय गुरु जी आरुह्य श्वेतहंसैर्भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्यं वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं स्वां वीणां वादयन्ति निजकरकमलै शास्त्रविज्ञानश्रद्धै क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना समादरणीय यज्ञ के प्रधान जीमान तथा यहाँ के प्रशासक श्री नरेश कुमार शर्मा जी सपत्नीक सभी विद्वजन श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन आज छठे नवरात्र के अवसर पर इस सिद्ध पीठ पर भगवती माँ वैष्णो के दरबार में आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि आज छठा नवरात्र है और भगवती माँ के जो विविध रूप हैं और विशेष रूप से जो नौ रूप हैं नौ रूपों में छठे रूप के दर्शन कर रहे हैं जिनका नाम है कात्यायनी इनको कात्यायनी क्यों कहते हैं कात्यायनी इनका नाम क्यों पड़ा एक कत नामक के ऋषि हुए उन्हीं के वंश में एक कात्य नामक के महर्षि हुए कात्य महर्षि के वंश में ही कात्यायन नामक के ऋषि हुए उन्होंने पराम्बा की
भगवती वैष्णवी की बहुत बड़ी भारी तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या की थी, और उस तपस्या के फलस्वरूप वो चाहते थे कि मेरे घर पुत्री के रूप में माँ जो है वो जन्म ले। माँ ने ये उनकी अभिलाषा स्वीकार कर ली थी। कुछ समय के बाद महिषासुर राक्षस जो है उसका आतंक बढ़ा और जनता को प्रताड़ित करने लगा, पीड़ित करने लगा, दुखी करने लगा। इस पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज पुंज से एक दिव्य देवी का उद्भव किया, उसका निर्माण किया और उसी देवी की पूजा कात्यायन ऋषि ने की। इस कारण से इसको कात्यायनी कहते हैं। एक दूसरे कथानक के अनुसार इस प्रकार कहा जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से कि चैत्र महीने की आश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को भगवती ने कात्यायन के घर जन्म ग्रहण किया और शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी अर्थात नवरात्र में सप्तमी अष्टमी और नवमी इन तीन दिन उनका पूजन किया और दशमी को महिषासुर का वध किया, उसका संहार किया। यह भगवती का कात्यायनी नाम होने का इसका अभिप्राय या इसका अर्थ। भगवती मां आज के दिन जो भक्तजन प्रतिदिन लगातार इसकी आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो जैसे जैसे उनकी भक्ति दृढ़ होती जा रही है, परिपुष्ट होती जा रही है और भक्तजन अपना सर्वस्व जो है वो भगवती के आगे समर्पित कर देते हैं, भगवती प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देती है और यदि कोई किसी प्रकार की उपासना में कोई कमी हो तो आज से दर्शन देने के संकेत उनको प्राप्त होने लग पड़ते हैं। यही देवी हैं जिनका ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना के किनारे पर इन्हीं की आराधना की थी। इस प्रकार भगवती का यह रूप, भगवती का यह दिव्य रूप आप सबका कल्याण करें, अपने शोक संतापों और तथा पापों को दूर करने के लिए। इससे अधिक हमारा और कहीं कोई बात नहीं, इसलिए अपने शोक संताप और पापों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और भगवती से प्रार्थना करें कि पूरे विश्व का कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, हम सबके परिवारों का कल्याण हो। और कात्यायनी आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कल मैं यज्ञ पर कुछ कह रहा था, समय अधिक होने के कारण से मैंने उस बात को बीच में से थोड़ा छोड़ दिया था, लेकिन उस बात को मैं थोड़ा आपसे कहूंगा कि श्राउत और स्मार्त जो यज्ञ होते हैं उनके अलग अलग स्वरूप हैं और जो स्मार्त यज्ञों में ये कहा गया है कि अध्यजनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ तर्पणम देवो होमो बलिर्हो तो नृयज्ञो तिथि भोजनम। एक तो वैदिक यज्ञ जो है जो जहाँ पर कर रहे हैं या महाविष्णु अति महाविष्णु रुद्र यज्ञ इत्यादि यज्ञ होते हैं और ये संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और कई प्रकार के अरिष्टों को इतियों को दूर करने के लिए होते हैं। और ये यज्ञ श्राइन बोर्ड के माध्यम से जो किया जा रहा है ये पूरे विश्व के लिए किया जा रहा है, पूरे विश्व के लोगों की सद्भावनाओं को एक दूसरे के साथ सद्भावना के लिए परस्पर मैत्री संवर्धन के लिए किया जा रहा है, सबके कष्ट जो है वो दुख दूर हों और ग्रहजन्य या और किसी प्रकार से कोई बाधाएं यदि विश्व में आए तो उन सब प्रकार की बाधाओं को भगवती वैष्णवी दूर करें अपने यज्ञों के माध्यम से। हम यहाँ पर जो जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो सभी मंत्र आप सबका अर्थात पूरे विश्व में रहने वाले जो लोग हैं उनके कल्याण की हम कामना करते हैं, उनके आरोग्य रहने की
उनके वैभव के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर में सब प्रकार की सुख समृद्धि और धन धान्य पुत्र आदि ऐश्वर्यों से युक्त रहे, हम इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। और माँ के आगे इस प्रकार की हुई प्रार्थना यज्ञ के माध्यम से पूरे विश्व में कल्याण करती है। एक यज्ञ जो स्मार्त यज्ञ कहे जाते हैं, एक अध्ययन यज्ञ है। अध्ययन यज्ञ क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो भी एक यज्ञ है, हम जो पढ़ाते हैं वो भी एक यज्ञ है। और इस प्रकार से हम पढ़ाएं, इस प्रकार से हम स्वयं पढ़ें कि उस जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसका ठीक प्रकार से हमको अवगति हो जाए और ठीक प्रकार से उस चीज को करें, तो अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ पढ़ना जो है ये एक ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। और पितृयज्ञ अर्पणम, हम जिनकी संतान हैं और जिनकी परंपराओं से हम संतानें चली आ रही हैं, उन पूर्वजों के लिए तर्पण करना, उनके लिए भोजन करवाना, ये पितृयज्ञ कहलाता है। और देवो होमो, आहुतियों के द्वारा हाथ में चरू लिया और जिस देवता का हमने मंत्र बोला उस देवता के मंत्र के लिए हमने स्वाहा शब्द कह दिया और वो देव यज्ञ है, अर्थात हवन के द्वारा देवताओं को जो हम आहुति पहुंचाते हैं वो देव यज्ञ है। उसके बाद देवो होम बलिर्भूतो, एक बलि यज्ञ होता है। बलि यज्ञ क्या, ये कीट पतंगादि जितने भी हैं वो भी हमारे आश्रित हैं, वो कहाँ से खाएंगे क्या करेंगे, इसलिए हम कीट पतंगादियों को कुछ देना, उनके खाने के लिए कुछ दे देना, वो भी एक यज्ञ कहलाता है। और नृयज्ञ अतिथि भोजनम, एक नृयज्ञ होता है। नृयज्ञ क्या होता है, नृ कहते हैं पुरुष को, अतिथि। और नृयज्ञ अतिथि भोजन मतलब हमारे घर में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसका सत्कार हम भली प्रकार से करें, उसका जो भी जलपान करा करके भोजन करवा करके जो सत्कार उसका करना होता है उसको अतिथि यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार यज्ञों के माध्यम से हम प्रतिदिन आगे बढ़ें और यज्ञों में जो कुछ कहा गया है, यज्ञों का जो पुण्य की कहा गया है यज्ञों के द्वारा, वो पुण्य हम सभी लोग अर्जित करें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि हर मंत्र के पहले ओम शब्द कहा जाता है और हम सभी बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भी हमको पता नहीं होता है कि हम क्या क्यों किस लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ओम ऐसा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ब्रह्म स्वरूप है। ओम के आ उ और मा और अर्धमात्रा भी आग में है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश और निराकार इसमें माना जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, अकारं चाप्युकारञ्च मकारञ्च प्रजापति ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च इत्येते देवतात्रयः, आ उ और मा जो ओम अक्षर हैं ये सारे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हैं। और तीन प्रकार के गुण हैं, आप देखते होंगे अंदर तीन पिंडियां हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण युक्त। सत्वगुण वाली भगवती वैष्णवी सरस्वती, तमोगुण वाली भगवती वैष्णवी और रजोगुण वाली जो है वो ये महाकाली। तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनों इसमें ओम में निहित है। वर्तमान काल भूतकाल और भविष्यत काल तीनों समय जो है ये सब वो भी ओम में ही निहित है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ और बाणप्रस्थ ये सारे आश्रम भी जो है उसी में निहित है। चतुर्थी मात्रा जो है उसमें संन्यास भी आता है। और उसके बाद जागृत सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था भी इसी में है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में जो कुछ भी है वो सारा का सारा इस ओम में निहित है और ओम को ब्रह्मस्वरूप मानना है। ओम निश्चयोद्भूत तत्व जो है वो हमें मिला है, जिस कारण से हम मंत्रों के सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम में इतना सामर्थ्य है कि मंत्र यदि हमसे किसी प्रकार का कोई गलत भी बोला जाएगा तो उसके पहले यदि हम ओम लगाएं तो वो ओम उस गलती को दूर कर देता है और ओम उस मंत्र को शुद्ध कर देता है, इसलिए हम ओम लगाते हैं। हम हवन में स्वाहा करते हैं। स्वाहा करने का मतलब क्या हुआ कि स्वावते प्राप्नुते अभ्वानम इति स्वाहा, जिस मंत्र को हमने बोला और जिस देवता का ध्यान करके उसके बाद स्वाहा की आहुति हम दे देते हैं। स्वाहा का मतलब जिस देवता का मंत्र हमने बोला उस देवता तक ये आहुति जो है वो प्राप्त हो, वहां पर पहुंचे। फिर यज्ञ में विनियोग होते हैं। विनियोग मतलब विनियोग का क्या अर्थ हुआ, तो विशेषण अस्मिन कर्मणि नियोग विनियोग, ये मंत्र जो है हमने इस मंत्र का प्रयोग इस काम के लिए किया है या इस देवता के लिए किया है। जिस प्रकार की हमारा कोई नुमाइंदा होता है, विधायक होता है, एमपी होता है, हम उसको एक नुमाइंदा बना करके सरकार में भेज देते हैं
और इसी प्रकार हमारा यो मंत्र है, मंत्र का जब हम विनियोग करते हैं तो भाई इस मंत्र ने ये काम करना है, उस देवता से हम प्रार्थना करते हैं, तो ये होता है विनियोग। तो इस प्रकार से स्वाहा, ओम और विनियोग ये अपना विशेष महत्व रखते हैं उन यज्ञ आदियों में भी। अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आपसे ये कहूँगा कि इसका ज्ञान होना आवश्यक है। हम सभी नवायन मंत्र का जप करते हैं, नवायन मंत्र आप सभी जानते हैं, ऐंग ह्रीं क्लीं चा मुंडा ये विचे, ये नौ अक्षर हैं। और ये नौ अक्षर का ही मंत्र क्यों बनाया है, नौ अक्षर ही इसको क्यों कहा गया, नवारण मंत्र इसको क्यों कहा गया है, इसमें विशेष थोड़ी सी इसकी पूर्व पीठिका समझें कि जिस दरबार में हम बैठे हुए हैं और इस दरबार में जिन देवियों की हम उपासना कर रहे हैं नवरात्र में, ये नौ ही देवियां हैं। और इस इन देवियों को आराधना करने के लिए नौ अक्षरों का मंत्र है जो ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे से कहा जाता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि नौ का अंक सबसे बड़ा अंक होता है और नौ का अंक अपने आप को कभी भी अलग नहीं करता। नौ के अंक को हम नौ से गुणा करें और बाद में क्या हो जाएगा, उनका यदि जोड़ करेंगे तो नौ अपने आप रहेगा। नौ जो है वो उस अपने मतलब उस अपने आप को छोड़ता नहीं है। दो नए 18 आठ और एक नौ हो जाएंगे, तीन नए 27 सात और दो नौ हो जाएंगे। मतलब कहीं पर भी बड़ी से बड़ी संख्या को भी आप नौ से भाग देंगे, अंत में जाकर के उसको जोड़ करेंगे तो वो नौ ही आएंगे। क्यों कि ये नौ का अंक जो है ये निर्विकार है, इसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं आता, ये अव्यय है, ये व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता है। और ये एक ऐसा ब्रह्म स्वरूप के अंक है, इसलिए नौ के आगे संख्या है ही नहीं है। नौ की संख्या को प्रायः सब जगह पर बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। आप माला करते हैं, माला के कितने दाने होते हैं, 108 होते हैं, आठ और एक नौ हो जाते हैं। हमारे जरिए कोई बड़े कोई पूज्य कोई स्वामी महा जो पीठाधीश्वर होते हैं वहां पर भी 108 का बड़ा महत्व है, और आठ और एक वहां पर भी नौ होते हैं। नौ की संख्या सबके साथ हमारे नवरत्न होते हैं, धन्वंतरि क्षपण अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट भट्ट भर पर कालिदास ये विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य की सभा के भी नौ ही रत्न थे। हमारे जो हाथों में पहनने वाले जो रत्न हैं वो भी नौ ही हैं। हमारे ग्रह जो है बहुत से बहु ग्रह हैं, असंख्य ग्रह हैं, लेकिन उनमें विशेष रूप से नौ ही ग्रह जो है वो हमारे एक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, ग्रहों की संख्या। अब इस नवरात्र के अंत में रामनवमी आ रही है, वो भी नवमी की तिथि को ही उन्होंने अपना एक अवतार धारण किया, नवमी को ही उन्होंने जन्म ग्रहण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि नौ की संख्या अपने आप में निर्विकार है, अब भी है, उस संख्या को कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता। इसीलिए उस नौ संख्या को लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे बड़ी संख्या के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया। और जो आद्या शक्ति है जो पूरे संसार की सृजन करता है, ये भगवती जगत जननी जगदम्बा, इसके स्वरूप में मुख्य रूप से नौ ही माने गए हैं। और इन नौ रूपों को ध्यान करने के लिए, भगवती का एक भजन करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र नवारण मंत्र, बीज मंत्र जो है वो नवारण कहा गया है, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे। ये ऐंग क्या है, ऐंगकारी सृष्टि रूपाई, सृष्टि स्वरूप जो है ये ऐंग, इसमें बीज है, ये तीनों बीज हैं ऐंग ह्रीं और क्लीं। ह्रींकारी प्रतिपालिका, ह्रीं बीज जो है ये प्रतिपालक बीज है और पालन करने वाला है। क्लीनकारी काम रूपिणी, और क्लीन बीज कृष्ण का भी होता है, क्लीन काम बीज भी है और क्लीन काली का बीज भी है। तो क्लीनकारी काम रूपिणी, हम सब ये बीज स्वरूप है कि इस बीज में सब प्रकार की सृजन की शक्ति है। बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंड घाती, चामुंडा चंड इत्यादि देवियों को नाश करने वाली है, यही कारी वरदायिनी, यही अक्षर जो है ये वरदान को देने वाला है। बिच्चे चाभयदा नित्यम, बिच्चे जो अक्षर है वो अभयदान को देने वाला है। नमस्ते मंत्र रूपिणी, इस प्रकार का मंत्र जिसका है, इस प्रकार के मंत्र की स्वरूप वाली ये भगवती जगत जननी जो है, आपको नमस्ते हो, आपको प्रणाम हो, आपको शत शत बार हमारा प्रणाम हो।
हम जीवन में किसी चीज को करें, किसी पूजा को करें, किसी पाठ को करें, उस देवता को अपने गुरुओं के माध्यम से भली प्रकार से जान लें। इस देवता की उपासना कैसे करनी है, इस देवता का मंत्र कैसे है, इसका शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से है, और अपनी पूजा अनुष्ठान जो हम आप किस प्रकार से करेंगे, यदि ऐसा उस हिसाब से आप अपनी पूजा को करते हैं, अपने अनुष्ठान को करते हैं, अपने मंत्रों का जप करते हैं, भगवती वेष्टनी जो है आपको पूर्ण रूप से फल देगी। और इसमें कोई किसी प्रकार की एक शक की बात ही नहीं है। आप एक भगवती को आराधना करने के लिए देवी भागवत पुराण तो है ही, लेकिन एक उसका संक्षिप्त रूप जो है दुर्गा सप्तशती हमारे सामने है। दुर्गा सप्तशती में नाना प्रकार के मंत्र हैं जो आप सबकी, हम सबकी जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और उसका हम विशेष प्रकार से उन मंत्रों का प्रयोग करें, उन मंत्रों को भली प्रकार से देखें, और देख करके फिर हम देखें कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। शक्ति सब सर्वत्र विद्यमान है, कहा है आधार भूत जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेन यत स्थितासी अपान स्वरूप स्थित या त्वये तत् आप्याय से कृष्ण मलंघ वीर्ये। हे अलंघ वीर्ये, जिसके पराक्रम को, जिसकी ताकत को, जिसके बल को कोई आदमी लांग नहीं सकता, सबसे बलशाली अलंघ वीर्य ये भगवती जगत जननी। आधारभूता जगतस्तुमेका, ये पूरे संसार की आधारभूत तो ही है, ये पृथ्वी रूप में तो ही स्थित है, जिस जो हम सबका जहां पर आधार बना हुआ है। मही स्वरूपेण यतस्थितासि, मही के स्वरूप में, पृथ्वी के स्वरूप में जो हमारे सामने स्थित हो। अपान स्वरूप स्थित या तो ये तत्, ये जल जो है जिनके, जिनसे सब प्राणियों की तृप्ति होती है, जल के रूप में भी आप ही अपने सब लोगों को प्रसन्न करती हो। अपान स्वरूप स्थित या तो ये तत् आप्याय से कृष्ण अलंग, हे अलंग वीर, ये आप सब प्रकार के लोगों को, सब प्रकार के अपने जो भक्त हैं उनको आप आप्यायित करते हैं, प्रसन्न करती हैं। इस प्रकार से आप अपने कार्यों को देखते हुए, भगवती की आराधना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप ही आपकी मनोकामनाओं को भगवती पूर्ण करेगी। मैं इस समय अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे कह दूं कि पुजारी जी आरती करने वाले हैं, आरती में कात्यायनी का ध्यान कीजिए और अपनी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करें, और आरती के बाद जो आप चरणामृत लेते हैं उस चरणामृत का आस्वाद करें, और उसके विषय में कल मैं थोड़ी सी बात आपसे कहूंगा कि चरणामृत का महत्व तो क्या है और किस लिए हम चरणामृत लेते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उससे पहले एक मंत्र के माध्यम से आप सबको आशीर्वाद दूंगा। ओम द्रविनोदा द्रविनसस्तुरस्य द्रविनोदा सनारस्य प्रयम सतम द्रविनोदा वीरवती मिशन द्रविनोदारास्ते दीर्घमायुः स्वस्त्यस्तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु। आपके वंश में हमेशा दुर्गा की भक्ति रहे, और आप अपने जीवन पथ में अग्रसर हों और सब प्रकार के मंगलदायक कामों को पूर्ण करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। धन्यवाद। जोल सत्या ज्योता वाली माता। प्रथमं गुरुजी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय स्मरण शारदा, निज कार्य करो हमेश जय मां, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं तो सनगरी। Oh, Sanatana Jnana.
सुनाई दे रहा है? नहीं देखो किसी को सुनाई नहीं दे रहा,
पर मुझे नहीं सुनाई दे रहा आपकी जय माता। पूरे गज के बोलिए, जोर से गूंजते गए, ऐसी जयकारा बोलिए जो माँ से आशीर्वाद लेता हुआ पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जाए कि हमारे पूरे देश में तरक्की हो, उन्नति हो, सुख और शांति हो, खुशहाली हो। आज माँ भगवती कात्यायनी माँ जी के आप दर्शन कर रहे हैं, अंदर जगत जननी आपका पूरे दिल से आपका इंतजार कर रही है। आपकी जो जो इच्छाएं हैं, जो अच्छी अच्छी माता रानी वो पूरी करें, आप सबको आशीर्वाद दें, आपकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे हरि की जय। ऐसे बोला कीजिए ना जी, चार्ज करने ही पड़ते, पूरे गूंज के साथ बोलो सच्चे हरि की जय। बोलो सच्चे हरि की जय। आशीर्वाद, जय माता दी, जय माता। जय माता जी। आज तो नहीं रहना है। और जय माता जी, उठो खड़े जाओ। Thank you.
इतना बड़ा दुपट्टा तो सोचा भी नहीं होगा कि इंडिगो इतना बड़ा दुपट्टा मिलेगा। नहीं नहीं ले गया, मैंने खुद तोड़ा है। अंगूर खाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं तोड़ा, तुम तो नहीं थे, हिल रहे थे। कभी साड़ी बांधेगी, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ करती है, यही करती है। और इसमें क्या करना है, जब दादी को पिछली बार मिला था इसको दादी मुझे टाफी टाफी। मैं अपनी शीरवादी ने और शिव माता इतनी जल्दी नहीं माता जो होती है ना, सबसे पहले आम माता बर्फी थी अब मुझे आशीर्वाद दो, थप्पी दो, दो थप्पी, थप्पी अच्छी हो, दो दो दो, 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 द